नमस्कार दोस्तों। तो यार दुनिया में टेक्नोलॉजी का फास्ट बहुत तेजी से हो रहा है और इसी के कारण दुनिया पूरी तरह से बदल रहा है, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। और इसी के चलते हमारे कंट्री में कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि बंद होते जा रहे हैं या फिर वो अपने आप को क्लाउड किचन मॉडल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। मस्त कलंदर के इंडिया के 4 सिटी में रेस्टोरेंट चलते थे, जिसे मस्त कलंदर ने अपने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। इमेज बिरयानी के जितने भी रेस्टोरेंट थे उसे उसने क्लाउड किचन मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। और फासोस की बात करें, अगर आज वो इतने प्रॉफिट में है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसने अपने जितने भी रेस्टोरेंट थे उसे सब क्लाउड किचन मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। तो यार बेसिकली बात याद है कि आखिर ये क्लाउड किचन है क्या, लेकिन जिन लोग को नहीं पता है बेसिकली मैं उनके लिए बता दूं कि तो यार क्लाउड किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो हमें डाइन इन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, जैसा कि रेस्टोरेंट प्रोवाइड करते हैं अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डाइन इन, जैसे कि हम लोग घर बैठे ऑनलाइन पिज्जा बर्गर स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, सेम चीज इसमें भी हम लोग करते हैं। हम लोग घर बैठे ऑनलाइन फूड्स का ऑर्डर करते हैं और जैसे कि पिज्जा और बर्गर बंदा आकर हमारे घर पे डिलीवर करके आता है, वैसे ही सेम ही अगर हम फूड्स ऑर्डर करते हैं तो बंदा आएगा हमारे घर पे डिलीवर करके जाएगा, इसी को क्लाउड किचन बोलते हैं। तो यार इसके और भी नाम है, जैसे कि घोस्ट किचन, डार्क किचन और वर्चुअल किचन, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके कुछ और भी नाम है लेकिन आपको इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब सेम है। तो यार जब से क्लाउड किचन का कंसेप्ट आया है धीरे धीरे बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्लाउड किचन से उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं। क्लाउड किचन एक ऐसे स्टार्टअप होते हैं या फिर उन्हें बिजनेस कर सकते हैं जिन्हें स्टार्ट करने के लिए न ज्यादा हमें कैपिटल की जरूरत होती है, ना हमें ज्यादा रेंट देना पड़ता है, क्योंकि इसमें कस्टमर फिजिकली हमारे शॉप पर फूड्स खाने नहीं आता, इसमें हम लोग ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। अगर कस्टमर फिजिकली हमारे शॉप पर आएगा तो उसके लिए हमें थोड़ी जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम टेबल चेयर वगैरह रख सकते हैं, प्लस एसी फैन वगैरह होना चाहिए, आपको बंदे रखने पड़ेंगे वेटर वगैरह जो उनको फूड ले जाकर सर्व करेंगे। लेकिन जब कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारे कॉस्ट बच रहा है, हमें और भी जगह की जरूरत नहीं पड़ रही है कस्टमर को सर्व करने के लिए, तो इससे हमारा रेंट भी बच रहा है और शुरुआती में हमारा जो कैपिटल लगेगा वो भी बच जाएगा, और आपको कोई गेस्ट फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती अगर आप क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो। यार अभी हम और भी डिटेल में इसके आगे बात करेंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अच्छे से वेबसाइट बनाना और काफी अच्छे तरीके से मोबाइल ऐप बनवाना, ताकि अगर यूजर इनके प्लेटफॉर्म पर आए, इनके कस्टमर्स आए तो अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। और ये ज्यादा से ज्यादा अपने किचन बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक ऐसे बंदे को हायर करते हैं जो टेस्टी फूड बनाता हो। और यार बेसिकली दो तरह से काम करते हैं, एक पहला क्लाउड किचन होता है जो खुद अपने बंदे को रखता है, और दूसरे जो क्लाउड किचन होते हैं वो स्विगी और जोमेटो के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और अगर आप कोई फूड ऑर्डर करते हो तो स्विगी और जोमेटो के बंदे आएंगे वहाँ रेस्टोरेंट से फूड्स को लेंगे और आपके घर पर डिलीवर करके जाएंगे, जिसके लिए स्विगी और जोमेटो उनसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। तो यार ये लोग जो फूड्स डिलीवरी करते हैं घर पे आपके, उसके लिए ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस भी चार्ज करते हैं। और यार क्लाउड किचन बेसिकली दो चीज पर ज्यादा फोकस करता है, पहला कि ये लोग अट्रैक्टिव पैकिंग करते हैं ताकि अगर कस्टमर्स इनके पैकेट्स को देखे तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो, उसे लगे कि यार एक बार मुझे इसको भी ट्राई करना चाहिए। और दूसरा जो चीज है जिसपे लोग ज्यादा फोकस करते हैं वो है टेस्टी फूड। ये लोग ऐसे बंदे को हायर करते हैं जिसे अच्छा से अच्छा खाना बनाने आता हो, अगर इनका पैकिंग जो है अट्रैक्टिव है, अगर कस्टमर्स इनके फूड्स को टेस्ट करता है, अगर कस्टमर्स को इनका फूड्स अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा, तो कस्टमर्स बार बार इनके प्लेटफॉर्म पर आना चाहेगा, बार बार इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके इनका फूड्स ऑर्डर करेगा। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग ऐसे बंदे को हायर करो जिसको अच्छे से खाना बनाने आता हो, यानी कि टेस्टी खाना बनाने आता हो, ताकि कस्टमर एक बार आपका खाना खाए तो बार बार आपके प्लेटफॉर्म पर आने का उसका मन करे। और बेसिकली क्लाउड किचन में यही होता भी है, अगर आप ऐसे बंदे को हायर करते हो सस्ते में जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है खाना बनाने के लिए, तो फिर आपका कस्टमर बेस मजबूत नहीं बन पाएगा। तो यार ये लोग बेसिकली उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं कि इन्हें पूरे दिन भर में कितने ज्यादा ऑर्डर आते हैं। तो यार अभी ये लोग ऑटोमेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि मशीन वगैरह पर खाना बनाने के लिए इन्हें बंदे लोग को हायर करना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें ज्यादा सैलरी भी देनी पड़ती है, जिसके लिए इनका कॉस्ट भी ज्यादा जाता है और प्लस इनका टाइम भी ज्यादा है। तो यार ये लोग क्लाउड किचन मॉडल में बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग एक ही छत के नीचे अलग अलग इन्होंने किचन बना रखे हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग जो ब्रांड है उसे एक ही छत के नीचे लोग प्रिपेयर करते हैं और उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, और यही रीजन है कि इनका जो कॉस्ट है काफी कम हो जाता है। जो रेस्टोरेंट होते थे और जो क्लाउड किचन है, अगर इनके प्रॉफिट्स को हम कंपेयर करेंगे तो इनका जो प्रॉफिट है बहुत ज्यादा आता है। तो यार क्लाउड किचन पे स्टार्ट में सिर्फ एक ही टाइप के फूड्स पर फोकस करते थे, लेकिन बाद में ये लोग अलग अलग तरीके के जो ब्रांड्स थे, यानी कि अलग अलग तरीके के जो फूड्स थे, ये लोग उस पे ही फोकस करने लगे, ताकि ये ज्यादा नंबर में जो कस्टमर्स हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अगर कोई कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म पर आता है तो उसके पास काफी सारे ऑप्शंस हो सेलेक्ट करने के लिए, काफी सारे मेन्यूज हो जहाँ से वो सेलेक्ट कर सके, और ये अलग अलग तरीके के जो फूड्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके के जो इनके ब्रांड्स होते हैं उसे वो एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे अलग अलग तरीके के फूड्स को सेल करते हैं। अगर एक बार कस्टमर इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया तो वो अलग अलग तरीके के फूड्स को वहां से सेलेक्ट कर सकता है, उसे बार बार दूसरे जो प्लेटफॉर्म उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
बारे भी बातें आती है कि क्या रीजन है यार कि क्लाउड किचन इतना फर्स्ट पॉपुलर हो रहा है। कुछ तो वो लोग रेस्टोरेंट से डिफरेंट कर रहे हैं। अगर हम इसको रेस्टोरेंट से कंपेयर करें तो आपको बहुत ही कम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी रेस्टोरेंट के कंपेयर में। अगर हम की रीजन की बात करें क्यों ये पॉपुलर हो रहा है, तो पहला जो रीजन है, आज की इस बिजी दुनिया में अगर कोई भी बंदा ऑफिस से घर आता है तो घर पे खाना बनाना नहीं पसंद करता, उसे लगता है कि यार ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ कि घर पे लाके डिलीवर कर देगा, कौन खाना बना दिया है। और जो दूसरा रीजन है वो है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम कैपिटल की जरूरत होती है, यानी कि पैसा कम लगता है। और यही रीजन है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में देखा गया कि लोग रेस्टोरेंट पर जाकर खाना खाने में कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन फूड्स को ऑर्डर करना, उनके घर पर डिलीवर हो जाए खाना, इसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और यही रीजन है कि ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इतना बड़ा रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, और जिससे आज के जमाने के जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और यार अभी तो क्लाउड किचन काफी ज्यादा बूस्ट पे जाने वाला है, अभी तो ये शुरुआत है। तो यार अभी इसके बाद आता है कि कौन कौन से जो स्टार्टअप्स हैं इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहें तो घुस चुके हैं और काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो यार इसमें जो पहला चीज आता है वो है जोमेटो। तो यार इसमें जो जोमेटो है वो अलग ही फंडे पे काम करता है, वो खुद खाना नहीं पकाता है, वो जो भी रेस्टोरेंट है उनको किचन स्पेस प्रोवाइड करता है और उन्हें कहता है कि लो भाई आप खाना पकाओ और जो भी खाना पकाओगे उसे हम डिलीवर करेंगे और उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स होगा उसे हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो यार इस क्लाउड किचन के फील्ड का जो दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है वो है स्विगी। तो यार स्विगी ने अपना स्विगी एक्सेस भी लॉन्च कर दिया है। स्विगी बेसिकली करता क्या है, वो जो अलग अलग रेस्टोरेंट होते हैं उन्हें कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है और उनके साथ पार्टनरशिप करता है। तो यार स्विगी के खुद अपने दो प्राइवेट किचन स्पेस है, पहला है होमली स्विगी एक्सेस और जो दूसरा है दिबाउल कंपनी। और यार स्विगी अब तक तो इंडिया का सबसे बड़ा डिलीवरी स्टार्टअप बन चुका है और इसके पास पहले से कस्टमर बेस बना हुआ है। और यार अभी की बात करूं तो स्विगी इंडिया के लगभग 14 शहरों में 1000 से ज्यादा क्लाउड किचन स्टार्ट कर चुका है। तो यार इस सेक्टर के अगले खिलाड़ी की बात करें तो है रिवर फूड्स, जो कि मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है, जो कि शुरुआत में एज ए रेस्टोरेंट काम करता था लेकिन बाद में इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को क्लाउड किचन में कन्वर्ट कर दिया। पिछले साल इन्होंने सितंबर 2019 में इन्हें गोल्डमैन सैक्स और अदर इन्वेस्टर से इन्हें टोटल 2 बिलियन रुपीज की फंडिंग मिल गई। और अगर आज की बात करें तो इंडिया में लगभग 200 से ज्यादा क्लाउड किचन स्टार्ट कर चुके हैं। तो यार इस तरह से और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और ये जो कंसेप्ट है क्लाउड किचन का है सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के पहले दूसरे कंट्री में आ चुका है। आपको पता ही है कि जो चीज दूसरे कंट्री में आता है वही चीज बाद में इंडिया में आता है। तो मैं दूसरे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं फिलहाल। और इंडिया में अभी और कुछ भी है जिनके बारे में मैंने बात नहीं की क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाता। तो यार इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप अपना खुद का क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उसे क्लिक करके देख सकते हो। तो यार ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर इस तरह के और भी वीडियोस पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही। तो हर बार की तरह करके हमारे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।